नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। ज्ञान भी वरदान भी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माँ दुर्गा अपने सभी भक्तों पर एक समान ममता दिखाती है। उनके शरण में आने पर हर तकलीफ हर बच्चे की दूर हो जाती है। ढेरों ढेरों शुभकामनाएं हैं नवरात्रि के पर्व की। तीसरी महाविद्या की आज हम बात कर रहे हैं कि तीसरी महाविद्या जो कि 10 महाविद्याओं में से तीसरे नंबर पर आती है, माँ षोडशी तीसरा स्वरूप है 10 महाविद्याओं में से। भगवान सदा शिव की तरह माँ त्रिपुर सुंदरी के भी चार दिशाओं में चार और एक ऊपर की तरफ मुख होने से शास्त्रों में पंचवक्त्र के नाम से भी, यानी पांच मुख वाली के नाम से भी इन्हें जाना गया है। माँ 16 कलाओं से पूर्ण है, इनका नाम इसीलिए माँ षोडशी है। तंत्र विद्या, तंत्र में भी विद्या की अधिष्ठात्री देवी और श्री यंत्र अर्थात चक्र सामग्री के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। साधना, सुख, मुक्ति, ये सब पा सकते हैं आप माँ से। शरीर में आने वाला हर कष्ट दूर हो सकता है, मन शांत हो सकता है, शक्ति मिल सकती है, सफलता मिल सकती है हर क्षेत्र में। जैसे हमें लगता है ना कि कई बार हमें एक जगह तो सफलता मिलती है पर दूसरी जगह सफलता नहीं मिलती, दूसरे के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको चारों दिशाओं से शक्तियाँ मिलती हैं, चारों दिशाओं से आपके काम की ब्लॉकेज खुलती है, चारों दिशाओं से आपके सारे कार्य पूर्ण होते हैं। मंत्र का जाप, स्फटिक की माला से आपने मंत्र का जाप करना है। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं नमः। इस मंत्र का जाप आपने या तो एक माला, तीन माला, पांच माला, सात माला ये कर सकते हैं। माँ का ध्यान करना है, जीवन में आने वाले हर कष्ट का मुख मोड़ना है। माँ की शक्ति ही अद्भुत शक्ति है जिससे आपके जीवन में हमेशा उद्धार होगा। मेरे इस वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। सुबह की सारी वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मात्र जो मंत्र सुनने से भी आपके कष्ट दूर होते हैं और बहुत सारे लोगों के कष्ट आपने स्वयं दूर करने हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा कर मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।